जसप्रीत बुमराह ने किया खुलासा। लाथम को रन आउट करने के बाद क्यूहन से धोनी। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कानपुर वनडे में शान से थाम देने वाले मुकाबले में 6 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। एक समय न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 15 रनों की दरकार थी। इसके एक ओवर पहले छक्का लगा चुके सैंटनर पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे। आखिरी ओवर फेंकने आए बुमराह की दूसरी गेंद पर ग्रैंडहोम ने सिंगल ले लिया और एक बार फिर से सैंटनर स्ट्राइक पर थे। विकेटों के पीछे धोनी भांप गए कि सैंटनर यहां से मैच का रुख मोड़ सकते हैं और सीधे बुमराह के पास गए और उनसे कुछ कहा और फिर से वापस विकेटों के पीछे आ गए। अगली गेंद बुमराह ने शॉर्ट या हाफ वाली नहीं डाली बल्कि फुला टॉस डाल दी। सेंटनर इस गेंद की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे और वे गेंद को हवा में खेल गए। गेंद ज्यादा दूर नहीं गई और मिड विकेट पर धवन ने कैच पकड़ लिया। इस तरह से सेंटनर का खात्मा हो गया और टीम इंडिया ने आखिरकार मैच अपनी झोली में डाल लिया। यही नहीं बल्कि 3 ओवर पहले तेज तरार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे टॉम लेथम को रन आउट करने में भी धोनी ने बुमराह का अच्छा साथ दिया और टीम इंडिया की मैच में जोरदार वापसी करवाई। वैसे इस रन आउट के बाद धोनी जमकर हंसे। वे बुमराह की तरफ देखकर कह रहे थे कि आप आगे जाकर भी गेंद स्टंप पर मार सकते थे। मैच के आखिरी क्षणों में कप्तान कोहली से ज्यादा धोनी मैदान पर सक्रिय नजर आए। वे लगातार गेंदबाजों से बात कर रहे थे और हौसला बढ़ा रहे थे। मैच के बाद कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने बताया, मैं ज्यादातर समय अपना दिमाग ठंडा रखता हूँ। मुझे लगता है कि वह आपको अपनी योजनाओं के बेहतर तरीके से लागू करने का मौका देता है। लाथम के रन आउट के बारे में बातचीत करते हुए बुमराह ने कहा, मुझे स्टंप्स पर जाना चाहिए था और विकेट बिखेर देने चाहिए थे। यह अच्छा रहा कि मैं स्टंप्स में गेंद मार सका। ऐसी ही चीज इंग्लैंड में हुई थी, इसीलिए धोनी हंस रहे थे। मैं मैच पर ध्यान देता हूं, हर गेंद पर पैनी नजर बनाए रखते हुए अपनी योजना को लागू करने की कोशिश करता हूं। मैं गेंद को अंत तक देखने की कोशिश करता हूं। उसके कारण गेंदबाजी करना कठिन था। आपको खुद को भरोसा दिलाना पड़ता है और मैं वही कर रहा था। इसी तरह से क्रिकेट चलता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया। A for apple, B for बड़का apple, C से छोटका apple।